गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत पे एप्लीकेशन के रिलेटेड जो कल की डेट में प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें कि सिस्टम इनका जो वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम जो आप ट्रांजेक्शन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन पेमेंट रिफ्लेक्टर शो नहीं हो रही है, जैसे कि आप एप्लीकेशन में आपका शो हो रहा है ड्यू टू टेक्निकल इशू, जो ट्रांजेक्शन पेमेंट्स हैं उन्हें अपडेट होने में समय लग सकता है, जो कि आज की डेट की ये प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन में आपको अनाउंसमेंट में भी रिफ्लेक्टर शो हो रहा है स्क्रीन पे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आपको या भारत पे के साथ एप्लीकेशन यूज़ करने में कभी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांजेक्शन पेमेंट अपडेट नहीं हो रही हो, चाहे वो QR कोड का पेमेंट हो या भारत स्वयं मशीन के द्वारा ट्रांजेक्शन पेमेंट हो, तो इसके लिए रिसोल्यूशन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखलाने वाला हूँ। तो चलिए एक मैं टेस्ट ट्रांजेक्शन पेमेंट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ट्रांजेक्शन पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन अपडेट रिफ्लेक्टर शो नहीं हो रही एप्लीकेशन में, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप जो भी कस्टमर आपको पेमेंट पे करते हैं तो कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे पेमेंट का सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करें, और इसके साथ ही कस्टमर से पेमेंट का सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट विद UTI नंबर के साथ आपको ले लेना है। जैसा कि मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखला रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया है और SMS लिंक के द्वारा 10 रुपये का पेमेंट रिसीव करने के लिए ट्राई करता हूँ और चेक करता हूँ कि इनके अभी डाउन टाइम के टाइम पर पेमेंट अपडेट होता है कि नहीं। तो ये पेमेंट के लिए मैंने रिक्वेस्ट लिंक किया और लिंक को मैं सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप के द्वारा, और सेंड किया मैंने। सेंड करने के बाद सेम लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ तो ब्राउज़र ओपन होगा। ब्राउज़र पे क्लिक करने पर पेमेंट गेटवे पेज हो जाएगा जहाँ से मेरे को पेमेंट को पे करना होगा। तो मैंने पेमेंट पे करने के लिए UPI का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो कि ओनली UPI का ऑप्शन मिलता है SMS लिंक के द्वारा, और इस अमाउंट को पेटीएम एप्लीकेशन के द्वारा मैं पे कर देता हूँ। जब कोई भी कस्टमर पेमेंट पे करता है तो एक पेमेंट का सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट जनरेट होता है और उसका UTI नंबर जनरेट हो जाता है स्क्रीन पर, जो कि आपको इस स्क्रीन पर पेड सक्सेसफुली अपडेट होने पर रिफ्लेक्टेड शो हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये UTI नंबर जनरेटेड है, जो कि 21 से स्टार्ट है, 12 डिजिट का UTI नंबर है, पेमेंट सक्सेसफुल है, टाइमिंग है, पेटीएम के द्वारा पे किया है। आपको जो पेमेंट का सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट है, सेम पेमेंट का सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेना होता है और सेम UTI नंबर आपको आपके पास रखना है। और देखिए पेमेंट जो रिसीव किया था, ये पेमेंट अपडेटेड शो हो रहा है, जो कि मैंने पेमेंट रिसीव किया शो हो रहा है, लेकिन QR कोड अगर मैं स्कैन करके पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ तो आज की डेट की एक भी पेमेंट अपडेट नहीं हो रही है, जो कि बहुत बड़ा ग्लिच चल रहा है भारत पे के साथ। सेम जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर आपके पास स्वाइप मशीन है, अगर स्वाइप मशीन में प्रॉब्लम आ रही है तो स्वाइप मशीन पर जो आपको रिसिप्ट मिलती है उस रिसिप्ट को ध्यान से आपको रख लेना है। अदरवाइज स्वाइप मशीन की लास्ट 5 ट्रांजेक्शन में अगर आपको ट्रांजेक्शन शो हो रही है तो इसका आपको स्नैपशॉट पिक्चर क्लिक करके आपके पास रख लेना है। अगर कस्टमर ने अमाउंट आपको पे करा है, पेमेंट पे का जो सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट है कस्टमर से प्राप्त करना है, जो कि जैसे कि एप्लीकेशन पेटीएम से पे किया तो पेटीएम पे क्लिक करेंगे, सेम ट्रांजेक्शन में आपको ये पेमेंट का सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट है सेम स्क्रीनशॉट प्राप्त करना है, जिसमें UTI नंबर दिया गया है और सबूत के तौर पर इस UTI नंबर को, पेमेंट के सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट को आपको आपके पास रखना है जब तक पेमेंट आपके एप्लीकेशन में अपडेटेड शो नहीं होता है, चाहे वो 10,000 का पेमेंट हो या 1,00,000 रुपये या 10 रुपये, जितने का भी पेमेंट हो, पेमेंट अमाउंट आपका अमाउंट है जिसे आप कभी भी खो नहीं सकते हैं और आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जैसे कि जो भारत पे के मर्चेंट्स हैं उन्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो जैसे कि अभी मैंने प्रॉब्लम फेस की। तो गाइस, ये वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको दिखला रहा हूँ कि पेमेंट के रिलेटेड ही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं बैंक का, अगर गाइस आप पेमेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करने पे टाइम पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सॉरी वी आर फेसिंग अ टेक्निकल इशू, योर QR स्वाइप कलेक्शन मे बी टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट इन योर भारत पे अकाउंट बैलेंस, प्लीज़ चेक आफ्टर सम टाइम टू व्यू योर अपडेट बैलेंस, जो कि यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड शो रहा है। अगर बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन शो रहा है, जो कि भारत पे नोटिफाई कर रहा है कि जो टेक्निकल इशू है जिसके कारणवश पेमेंट अपडेट होने में समय लग सकता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
कृपया करके इसके लिए वेट करें, जो कि अपडेट आपका एप्लीकेशन में सेम भारत पे प्रोवाइड भी करता ही है। इनकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है कि कस्टमर के साथ कोई भी हिडन नहीं रखता है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि मैं आपके लिए और भी बेहतर अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।